हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू गोभी गाजर मटर की रस्सेदार सब्जी की रेसिपी, जिसे है तो बनाना बहुत ही आसान, पर एक बार आप इसे इस तरीके से बना कर देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सो लेट्स बिगिन। आलू गोभी गाजर मटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि मुझे इसमें सब्जियों को फ्राई करनी है। और अब हम तेल को अच्छी तरीके से गर्म हो जाने देंगे जब तक कि हल्का सा स्मोकी पॉइंट में ना आ जाए। सरसों तेल में आप जब भी खाना बनाते हो तो तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर ले, उसके बाद ही आप इसमें सब्जी प्याज वगैरह जो भी ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। अगर ये हल्का सा भी कच्चा रह गया तब आप इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो स्मेल होता है ना वो हल्का सा पंजेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो तेल है वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है, धुआं भी आ रहा है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोभी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक छोटा सा गोभी, जिसका मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लिया है। इसे हम तेल में ऐड कर देंगे। तो गोभी को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसे मैंने अच्छे तरीके से सुखा लिया है। इसे हम तेल में इस तरीके से ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। गोभी को हमें ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। फ्लेम आप मीडियम टू लो के बीच में रखें। तो यहाँ पर हमारा जो गोभी है वो फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हो ये ब्राउन हो गया है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो एक्सेस ऑयल ड्रेन कर ले और आप इसे निकाल ले। तो यहाँ पर मैंने गोभी को निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारी जो गोभी है वो फ्राई हो गई है और अब हम सेम ऑयल में आलू को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने छील कर धोकर काट लिया है। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और आलू को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर ब्राउन क्रस्ट ना आ जाए, यानी कि भूरा होने तक हमें आलू को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो आलू है उसका कलर चेंज हो चुका है, तो इसे भी मैं एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर हमारा आलू गोभी जो है वो दोनों फ्राई हो चुका है और अब हम सेम ऑयल में ऐड कर देंगे गाजर। तो यहाँ पर मैंने एक गाजर लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लिया है। इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसे हमें भूरा होने तक नहीं फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे इस तरीके से फ्राई कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा गाजर है उसे भी मैं निकाल लेती हूँ और यहाँ पर हमारा आलू गोभी गाजर जो है वो फ्राई हो चुका है। और अब हम सेम ऑयल में ऐड कर देंगे 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और 5 फोरन। 5 फोरन की जगह पर आप जीरा भी ऐड कर सकते हो, सरसों के दाने भी ऐड कर सकते हो, यानी तो मेथी भी ऐड कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, आपको जो पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 10 से 15 सेकेंड के लिए आप इसे कुक कर ले। तो यहाँ पर ये कुक हो गई है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने बड़ा साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके मीडियम साइज़ के प्याज है तो आप 2 ऐड करें। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें भूरा होने तक कुक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया है, भूरा हो गया है ये। तो इतनी दूर तक हमें इसे कुक कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक ग्रेटेड और ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास लहसुन का पेस्ट अवेलेबल था। अगर आपके पास नहीं है या आपको पेस्ट बनाने का इच्छा नहीं कर रहा है तो आप 4 से 5 लहसुन की कलियाँ को बारीक काट करके इसमें ऐड कर सकते हो। और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक लहसुन और अदरक का कच्चा फ्लेवर जो है ना वो इसमें से चला ना जाए। और यहाँ पर ये 1 से 2 मिनट हो गए हैं और हमारा लहसुन अदरक जो है वो अच्छी तरीके से भुन गया है।
और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने दो टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हमें गलने तक पका लेना है, तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए कुक करें और बीच बीच में आप इसे मिक्स भी करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब हम इन सबको अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही हम सूखे मसाले ऐड करते हैं तो हमारे जो मसाले हैं वो जलने लगते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं, और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम मसालों को कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक हमारा जो मसाला है वो तेल ना छोड़ दे। और बीच बीच में आप इसे मिक्स भी करते रहें, नहीं तो हमारा जो मसाला है वो नीचे में जाकर चिपक सकता है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो कि हमारा जो मसाला है उसने तेल छोड़ दिया है। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू गोभी और गाजर, जिसे हमने फ्राई किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरे मटर। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप हरा मटर और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट से ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। बीच बीच में आप इसे मिक्स भी करते रहें, नहीं तो ये नीचे में जाकर चिपक सकता है। तो यहाँ पर लगभग 2 मिनट हो गए हैं। एक बार हम इसका लिड उठाकर देखेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मिक्स हो गई है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो शुरू में मैं पहले कम ही पानी ऐड करती हूँ, उसके बाद में बाकी का पानी ऐड करती हूँ। तो पहले यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ऐड किया, इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें और एक्स्ट्रा पानी कितना ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 कप पानी और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे। उससे ज़्यादा हमें इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आलू गोभी गाजर को ऑलरेडी फ्राई किया था, जिससे ये 50% तक कुक्ड है। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए हैं। लिड उठाकर एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी है वो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है ना। तो अगर आपको अपनी सब्जी में ग्रेवी थोड़ी सी कम चाहिए तो इसे आप थोड़ा सा और पका लें, और अगर आपको इतनी ही ग्रेवी चाहिए तो इस समय आप गैस बंद कर सकते हैं। तो मुझे ग्रेवी थोड़ी सी कम चाहिए, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा और पका लेती हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो आलू गोभी मटर गाजर की जो सब्जी है उसका जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो अब मैं इसका गैस कर लूँगी बंद और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। धनिया पत्ता ऐड करने से आलू गोभी की सब्ज़ी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, तो इसे आप स्किप बिल्कुल ना करें। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी, जिससे हमारा आलू गोभी मटर गाजर की जो सब्जी है उसका टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आलू गोभी मटर गाजर की ज़बरदस्त रसे वाली सब्जी जो है वो बनकर तैयार है। इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए लग रही है ना ज़बरदस्त, आलू गोभी गाजर एकदम कलरफुल सब्जी लग रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।